स्वागत है तुम सभी का एक बार फिर आज की इस नई वीडियो में। तो आज हम जानने वाले हैं SCP 524 के बारे में, जो कि एक सेफ क्लास SCP है जिसे ओमनिवोरस रैबिट के नाम से भी जाना जाता है। तो यार, अगर तुमको इस SCP पे वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए, फिर मैं बकवास बिल्कुल भी नहीं करूंगा आज की इस वीडियो में और डायरेक्टली आपको बताता हूँ SCP 524 के बारे में। तो SCP-524 जो कि एक खरगोश है और ये ऐसे खरगोश की प्रजाति में से है जिसका नाम है ओरिक्टोलागस कैनिक्यूलस। और इस खरगोश को बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि इसका जो फर है वो सफ़ेद कलर का है और इसके बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर के मार्क्स बने हुए हैं। तो इस खरगोश की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये खरगोश कोई भी चीज़ को खा सकता है, चाहे वो खाने लायक हो या खाने लायक ना हो। जी हाँ, ये कोई भी चीज़ को खा जाएगा, जहर भी खा जाएगा, चाहे वो कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। हालांकि इसकी खाने की हरकतें बिल्कुल एक खरगोश के जैसी है, लेकिन ये सही में कोई भी चीज़ खा जाएगा जो कि इसके सामने पड़ी होगी। यहाँ तक कि SCP-524 को स्टील, लकड़ी, लोहा और रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को भी खाते हुए देखा गया है। हालांकि लोहा लकड़ी खाने के बाद इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और इससे बाकी लोगों को भी कोई भी नुकसान नहीं है। और इस SCP की दूसरी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये SCP खुद को ही खा सकता है। जी हाँ, ये SCP खुद को ही खाना शुरू कर देता है उसके पिछले हिस्से से। बाद में वो सबसे पहले अपनी पूंछ को खाता है, फिर अपने पिछले पैरों को, फिर आगे के पैरों को और खुद को रोटेट करके पूरी तरीके से खुद को ही चट कर जाता है। SCP-524 खुद को पूरी तरीके से खाकर गायब हो जाता है और 30 मिनट के बाद वो उसी जगह पे वापस रीअपीयर होता है जहां से उसने खुद को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया था। हालांकि इस प्रोसेस से ना SCP-524 को कोई नुकसान होता है और ना ही किसी अन्य जीव को नुकसान होता है। तो SCP-524 को एक मेजर ब्लैकआउट डे के दिन अगस्त के महीने में खोजा गया था। तो हुआ यह था कि इसने एक बड़े पावर प्लांट के अंदर खराबी पैदा कर दी थी। दरअसल SCP-524 ने उस पावर प्लांट में मौजूद काफी रिएक्टर्स को बुरी तरीके से डैमेज कर दिया था। और बाद में जब SCP फाउंडेशन ने इस SCP को ढूंढा तो उन्हें ये SCP एक वायर के ऊपर मिला। जी हाँ, ये उस वायर को बड़े आराम से धीरे धीरे से खा रहा था। तो दोस्तों, बस यही थी कुछ कहानी SCP-524 की। आपको ये SCP कैसा लगा नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना। इस SCP से ना ही आपको कोई खतरा है और ना ही आपसे इस SCP को कोई खतरा है, जिस वजह से इसके कंटेनमेंट के अंदर भी सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड को ही रखा जाता है ताकि वो इस पर नजर रख सके। अगर इस पर नजर नहीं रखी गई तो ये खुद के कंटेनमेंट एरिया को भी खा जाएगा। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर से कर देना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल ही कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप इस चैनल पर फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए, फिर आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।